नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और पटाखा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कठोर शर्तों के साथ पटाखा जलाने की इजाजत दे दी है। आज दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि देश भर में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। साथ ही क्रिसमस और नए साल के मौके पर 11:55 से 12:30 बजे के बीच पटाखे जलाने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर कम प्रदूषण करने वाले पटाखों को इजाजत दी है और साथ ही यह निर्देश दिया है कि सभी त्योहारों और शादियों पर भी ये आदेश जारी रहेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि संभव हो सके तो दिल्ली राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक रूप से पटाखे जलाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ लाइसेंसधारी, जिनको लाइसेंस दिया जाए, सिर्फ वही लोग ही पटाखे की बिक्री कर सकेंगे और ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर कोर्ट ने रोक लगाई है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की और जो बढ़ रहा है पॉल्यूशन, जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और जो हाल है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत समूचे जनपदों का, कैसे स्थिति में सुधार आएगा, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं शिव शरण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर भरत राज सिंह, पर्यावरण वैज्ञानिक। आपका भी स्वागत है आप दोनों लोगों का चर्चा में। सबसे पहले सिंह साहब, ये बताएं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत तो दे दी है पटाखे जलाने की, और वो अब दीपावली ही नहीं, सिर्फ एक विषय पे ही नहीं, क्रिसमस हो, नया साल हो, शादी हो, विभिन्न मौकों पे जो है कह रहे हैं आप पटाखे जला सकते हैं। कम तीव्रता वाले, कम प्रदूषण करने वाले पटाखे ही सरकार से कहा है कि उस पर निगरानी रखी जाए कि ऐसे ही पटाखों की बिक्री हो। किस तरीके से इस पूरे निर्णय को देखते हैं आप? देश का जो पर्यावरण आज का बिगड़ता जा रहा है और जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा निर्णय है। और मैं तो चाहूँगा कि इसका पूरी तरीके से सारी राज्य सरकारें उसको कड़ाई से लागू करें, और जिम्मेदारी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि स्थानीय थाना अध्यक्ष जो है SHO होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी और इस चीज पर नियंत्रण रखे, उसकी जो गाइडलाइन है और प्लस उस पर जो राज्य सरकारों से अगली सुनवाई की तारीख में ये मांगा है कि आप सलाह दीजिए हमको कि इसको कैसे हम पूरी तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि बिना प्रदूषण को नियंत्रित किए हमारे देश के जो जनमानस है, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो लाइफ साइकिल जो डिस्टर्ब हो रही है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, इनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और उस इसमें और खास बात और अच्छी बात यह है कि इतना ज्यादा अरबों खरबों रुपया जो है हमारा वेस्ट होता है पटाखे के नाम पे, और मिलता हमें क्या है, बीमारियां मिलती तरह तरह की अननोन जो नई नई आ रही हैं, ये सब उसी का नतीजा है। तो ऐसे में सभी सरकारों को चाहिए कि अपने स्थानीय स्तर के, जैसा कि गाइडलाइन में दे रखा है, इन्होंने दिया है अपने निर्देश में कि लोअर लेवल पर इसकी जिम्मेदारी SHO निभाएगा, तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके पास टीम कितनी है, त्यौहार कितना बड़ा है, ये तो दीपावली है और ये तो काम पहले और होना जाना चाहिए। अब देश में इतनी फैक्ट्री, इतनी इंडस्ट्री है पटाखों की, सारा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, वो सब मार्केट में आ चुका होगा, थोक व्यापारियों के यहाँ सबके आ गया होगा, क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है दीपावली का, अब उनको फोड़ना। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है SHO कि जो मानक के विपरीत जो प्रोडक्शन हो चुका है, उसकी सप्लाई हो चुकी है आसानी लेवल पर, उसको कैसे कंट्रोल करें, उस पर निगरानी कैसे हम करेंगे। अब प्रदूषण फैलाने वाले कौन से, बम तो खैर उसको है ही है, उसके अलावा जो बच्चों वाले हैं, जैसे सुतली है, रस्सी है, इस टाइप के जो हमारे हैं जिससे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, इन पर वो बच्चों के लिए ही है। और ये त्यौहार जो भी है, दीपावली खासतौर से, तो ये त्यौहार या शादी ब्याह बारात ले लीजिए, अनार उनार छोड़ जाते हैं, कितना प्रदूषण फैलता है, तो इसमें निगरानी की जरूरत है और इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट ने बहुत सही फैसला बिल्कुल दिया सही है, बहुत स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं आज के फैसले को आप? अभी मौसम बदलने को है, ठंडी आने को है, लेकिन रंगत मौसम ने दिखा दी है, जिस तरीके से दिल्ली में धुंध छाने लगी है आसमान में। लखनऊ की बात करें तो निसारगंज, लाल बाग जैसे इलाकों पे जिस तरीके से पॉल्यूशन ग्रेड ना पा रही है, बिल्कुल हम लोगों को स्तंभित करने वाला है ये।
पहले तो मैं हाई कोर्ट के इस निर्णय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मैं स्वागत करता हूं और पूरे भारतवर्ष के जनता को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कठोर निर्णय के निर्देश के इसका अनुपालन संभव नहीं है। आज की परिस्थिति जो है, जैसा अभी आप चर्चा आप जिक्र कर रहे हैं, आज अभी केवल जाड़ा सेट होने जा रहा है। अब स्थिति ये बन रही है कि यही अगर हम लखनऊ को देख लें तो आज का ही 200 PM 2.5 जो है 200 है, जबकि उसका नॉर्मल 60 होता है, पर्टिकुलर मैटर जो है पर माइक्रोन ग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो इतना होना चाहिए, जबकि ये ऑलरेडी 200 क्रॉस कर चुका है जगह जगह, कहीं 184, कहीं दिल्ली की हालत इससे भी बदतर है। कई जगह तो आप दिल्ली के मंदिर मार्ग को लेते हैं तो वहां तो चलिए लखनऊ से थोड़ा कम है, लेकिन अगर उसको आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएं तो यहां से भी ज्यादा हो गया। अभी ये शुरुआत है, लास्ट ईयर की स्थिति अगर हम उसको देखें तो 384 400 के आसपास टच हो गया, 400 का मतलब हो जाता है जानलेवा, 400 का मतलब है 6 से आप कीजिए 7 गुना आदमी कैसे टनल में रह रहा, धुएं के टनल में घूम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो बात इस पर की है कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, पटाखे वही जिनमें कम पॉल्यूशन वाले हैं उसको ही बिक्री किया जाए। दूसरा है कि उन्होंने जो निर्णय ध्वनि प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया। आप ये देखिए, ध्वनि प्रदूषण भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है कि आपका 60 डेसिबल होता है और आपके ध्वनि प्रदूषण अगर 110 120 हो जाए, जबकि 85 से ऊपर डेसिबल पर ये खतरनाक होता है, तो कभी कोई भरा हो जाए, कान के पर्दे फट जाएंगे और चीजें तमाम चीजें हो जाएंगी। देखिए, निर्णय लेने के लिए वही काफी समय, लास्ट ईयर की स्थिति अगर देखें, पिछले साल उन्होंने बैन कर दिया, कोई बिक्री ही नहीं होगी, पूरे दिल्ली में कोई बिक्री नहीं हुई, लेकिन लोगों ने अप्रोच किया, फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती है, तो उन्होंने इस पर कहा। लेकिन उसके साथ उन्होंने जो बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कि हम आज इस निर्णय को जैसे मैंने उसका छानबीन की देखा, उन्होंने कहा देखिए, भारत में बच्चों में 20-25% बच्चे जो हैं वो केवल रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ये जनरेशन आने वाली, आज अगर उस बच्चों में दमा हो जाएगा तो वो जीवन कैसे यापन करेंगे, उस कैसे आगे इसे हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले कर्णधार अगर इस तरीके से हो जाएंगे तो क्या स्थिति गुजरेगी। तो ये दो तीन चीजें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने इस पर दिया कि आप, बाकी आपने सब बता दिया कितने बजे से कितने बजे तक उन्होंने दिवाली में कर दिया है और अन्य उसमें 11:55 से लेकर के 12:30 तक अपना न्यू ईयर, लेकिन ये दो तीन बातें उनकी इतनी महत्वपूर्ण है जो कि हमें लागू करने वाले जो हमारे प्रशासनिक मशीनरी है उसको इसको सघन रूप से लगना पड़ेगा। और आज तो हम कह रहे हैं कि प्रदूषण के प्रति हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, जागृत आंदोलन छेड़ना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य क्या है। जी सुशरण जी, अभी जिस तरीके से ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, पिछली बार जब दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया था तो देखा यह गया था कि ऑनलाइन लोगों ने मंगा लिया था, इस बार उन्होंने इस तरीके से किया है और खासतौर से जो लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच पाएंगे, लाइसेंस प्रणाली किस तरीके से, अब समय चूंकि दीपावली का नजदीक आ गया है, किस तरीके से सरकार को कितना कठिन होगा करवाना इसको, और पिछली बार की स्थिति और इस बार की स्थिति, मौसम अपना रंग दिखा रहा है, और आप बताएं इस पूरी स्थिति पे SHO किस तरीके से निगरानी रख पाएगा इतने बड़े एरिए पे, कैसा संभव होगा? ऑनलाइन पे जो रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये इसको बड़ी आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और होगा, इसमें कोई दोराय नहीं, और इससे बिक्री की जहां तक बात आई कि लाइसेंसधारी बिना लाइसेंस के किसी भी मोहल्ले में एक भी पटाखे की दुकान नहीं चलती। पहले होता था, आज के 15-20 साल पहले था कि कोई आया अपना लगा लिया अपना कस्बे में मोहल्ले में जहां भी। अब तो निर्धारित हो, जब घटनाएं बहुत सी हुई, प्रदूषण की बात आई या एकदम से अग्निकांड हो गया पूरे मार्केट में,
तो ये होगा कि इकट्ठे जो है एक बनाई जाए जहां फायर की व्यवस्था हो, उनके लाइसेंस उनको कंपलसरी किया गया, उसकी सिक्योरिटी सरकार जमा कराती रही, जिला प्रशासन अपना लाइसेंस देता रहा है, वो भले बहुत से परमानेंट लाइसेंस वाले हैं, और अत्यधिक संख्या जो है वो सीजन आने पर उनको लाइसेंस टेम्परेरी दिया जाता है फेस्टिवल के हिसाब से। तो ये काम जिला प्रशासन के हाथ में है, बिना पुलिस रिपोर्ट के जिला प्रशासन लाइसेंस नहीं देगा। आप लाइसेंस की प्रक्रिया को और थोड़ा टाइट कर सकते हैं, आप लाइसेंस देते समय जो भी आपकी रूल रेगुलेशंस हैं लागू कराते हैं उनसे, तो उनमें कम से कम आप जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं कि किस एरिया में कितनी दुकानें किस किस के नाम से हैं, और वो ए कैटेगरी का लाइसेंस ले रहा है या बी की ले रहा है या सी की ले रहा है। तो एसएचओ को पूरी निगरानी में एक एक आइटम का उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और सुरेंद्र जी की, अब जैसे लाइसेंस दे रहा है तो लाइसेंस में वो उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है इसको भी प्रशासन दिखवा सकता है? नहीं नहीं है, उसमें है, आप जानकारी करिए। तो उसको जब लाइसेंस दिया जाता है उसको कैटेगरी निर्धारित है उसमें कि आपको इस इतनी इसकी इतनी क्षमता का पटाखा रखना है या फुलझड़ी रखना है या जो भी धुआं ज्यादा देने वाले, उनका सबका एक मानक निर्धारित है। लेकिन होता क्या है, कानून देश में सारे हैं, लागू कितने होते हैं ये आप भी समझते हैं बेहतर। 200 करोड़ का पटाखे लगभग दीपावली में इस्तेमाल होते हैं उत्तर प्रदेश में ही, सिर्फ 3,000 करोड़ से ज्यादा इस देश में अपने व्यवसाय है। और आपको बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु में पटाखा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, काशीपुर में सबसे ज्यादा 300-400 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं वहां पे छोटी बड़ी, तो इससे रोजगार तो प्रभावित हो गए। लेकिन वो रोजगार जो जिंदगी की तुलना में अगर आए तो वो उससे समझौता नहीं किया जा सकता है। देखिए इससे तो समझौता करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितने लोगों को भाई, कितने लाख लोगों को रोजगार इसमें मिला होगा और कितने करोड़ पब्लिक का नुकसान हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जनरेशन हमारी डिस्टर्ब हो रही। आप जो आप जैसा कि बता रहे हैं एनसीआर का है, पिछले वर्षों चला रहा समय समय पर, ये ऐसा नहीं कि खाली वो त्यौहार आया दीपावली आई या होली आई उसी टाइम ऐसा हो गया, एनसीआर में तो आए महीनों, महीना दो महीना गुजरा नहीं, मौसम चेंज स्थिति आई, पता लगा वहां प्रदूषण से सब धुंधली छाई हुई है, कभी किसानों की उसकी धान या गेहूं उसकी जलाने की बात आती है, कुछ भी आता है, वो एक बड़ा खतरा भी आने वाले समय में है। हम डॉक्टर साहब के पास आएंगे एक बार फिर से। डॉक्टर साहब, कोर्ट ने इसके साथ केंद्र और राज्य को यह भी कहा है कि दीपावली के 7 दिन पहले से लेकर 7 दिन बाद तक पूरे मौसम को नापा जाए और फिर उससे अध्ययन किया जा सकेगा कि कितना असर पड़ा था और इसको आगे कैसे हम और कम कर सकते हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं आप, क्या ये विधि ठीक है और आगे और क्या क्या चीजें अपनाई जा सकती हैं? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिए हैं वो कुछ न कुछ विशेष अध्ययन के बाद लिए हैं, और अध्ययन जो पिछला अपना आंकड़ा आ रहा है, हर वर्ष आपके प्रदूषण की मात्रा एयर क्वालिटी घटती चली जा रही, और वो PM 2.5 PM नली में जब पहुंच जाता है अंदर तो वो फेफड़ों में पहुंच जाता है और वो इतना खतरनाक है कि वो बाहर निकलता ही नहीं। तो ये जो हमारी है ये तो मैं बहुत ही अध्ययन के बाद उन्होंने इस दृष्टिकोण को देखा कि हमें क्या क्या चीजें किस किस तरीके से आगे बढ़ना है। पहली चीज हम विशेष करके देखिए, ये अध्ययन यहां से नहीं आया कि किसी ने उनको ले जाकर बताया या स्वतः है उसका संज्ञान ले लिया। संज्ञान आप देखें कि आप WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी बीच बीच में रिपोर्ट आती रहती है, वो रिपोर्ट हालांकि पुरानी होती है, 2-3 साल पहले की संगठन अपना करता है, लेकिन उनका आंकड़े बहुत ही पुराने लेकर के बहुत अच्छे से। आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले साल के अभी अप्रैल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट दी कि विश्व के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 14 तो आपके भारत के हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा PM 2 यही नहीं रुके,
पीएम 10 पर जो जिसका कि आपका दूषण का आंकड़ा 100 है, जिसका पीएम 2.5 का 60 है, तो वो 13 उसमें 13 कंट्री वो भी है भारत की ही है, और बाकी उन्होंने मंगोलिया और चाइना के कुछ कंट्री बताया। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि हम इसको कैसे घटाएं, और इसके साथ साथ जो नई चीज ही पटाखों के साथ इन्होंने जोड़ा है, ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ये जो उसके साथ एक खतरनाक स्थिति और बनने जा रही, इसको करने के लिए जैसा कि शिवशरण जी ने सुझाया है कि हमें प्रशासनिक अमले पर जो नीचे का स्तर का है उसको लगना पड़ेगा, और जिस तरीके से उन्होंने एक छूट दी है कि भाई कोई फैक्ट्री चल रही एकदम से बंद करना, कितने बेरोजगार हो जाए, कितने उनके घरों पे खाना बंद हो जाएगा, तो उनको चलाते हैं, लेकिन उसका विकल्प ये देखा जाए कम उसके प्रदूषण के चले, तो चटाई पर विशेष उन्होंने देखिए यहां तक लिया कि चटाई को नहीं बिक्री करेंगे, चटाई ऐसी होती है कि इतना धुआं छोड़ती है और बम जैसा आप शरण जी ने कहा कि आप आसमान छोड़ देते हैं, आप देखिए 10 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर वैसे ही ग्रीन हाउस गैसें जमा हो चुकी है, आए दिन जरा सा क्लाइमेट में परिवर्तन होता आप सांस नहीं ले पाते, नीचे इतनी वो आ जाती, कोई मौसम का वो नहीं रह गया है, सब जगह है। अभी इन्होंने जो आंकड़े ये कहा कि इसकी स्टडी किया जाए, दिन दिन आप देखिए पीछे से बढ़ता चला जा रहा है, अगर ये दिवाली उसमें जोड़ दी जाएगी तो कितना और बढ़ जाता है, इस पर हो सकता है उनकी ये मनोदशा हो कि अगले बार हम निर्णय और कठोर लेंगे, ये हो सकता है कि उसको वो अगले साल उसका निर्णय कठोर लें, तो और पैड़ी जलने का और ये इस पर भी उन्होंने विशेष हिदायत दी कि अभी इस पीरियड में बिल्कुल नहीं इसको जलाने के लिए, बिल्कुल सभी राज्य सरकारें चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली के आसपास का इलाका हो वहां ना जलाया जाए वहां ऐसे, और तमाम अब तो माननीय जी प्रधानमंत्री जी ने इतनी सुविधा दे दी है 80% पर अब यंत्र और इन सब बिल्कुल बिल्कुल इन सब चीजों का उपयोग करना चाहिए। शिवशरण जी अगर हम बात करते हैं प्रदूषण के बड़े शहरों में नाम लेने के 10 शहरों की, तो उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम काफी ज्यादा आगे हैं, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, क्या हाल हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं? अब लखनऊ में जिस तरीके से आबो हया बदल रही है, कानपुर की स्थिति वैसे ही खराब है, आगरा है, और गाजियाबाद जो कल सबसे ज्यादा प्रदूषण गाजियाबाद में ही रहा, आखिर कैसे हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए सारा कुछ राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर दिल्ली में से शुरुआत होती है, वहां केंद्र की सरकार है, सारे वैज्ञानिक हैं, सरकार देश को चलाने वाले लोग हैं, जागरूकता भी है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। होता क्या है, जितना राष्ट्रीय राजधानी से दूर हम जा रहे हैं काम सब वही हो रहा है, लेकिन उस पर नजर नहीं जाती है, नजर सरकारों की नहीं जाती है, लोगों की नहीं जाती है, और वो विकृति जो समाज की है, जो वातावरण की है, वो बढ़ती जा रही है। और उसी क्रम में आप कानपुर का, अच्छा कानपुर तो बहुत पुराना शहर है, इंडस्ट्रियल पूरा था, अब तो खैर नहीं, अब तो खैर नोएडा उधर वो एनसीआर बेल्ट में हो गया, तो कानपुर बहुत पहले से ही प्रदूषित शहर माना गया है, लेकिन इस दिशा में काम क्या हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है, सरकारें जागरूक ही नहीं है कायदे से। भाई आप लखनऊ को ले लीजिए, आप मेट्रो का निर्माण काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, कितना उसकी डस्ट जो है चल रही, पानी छिड़काव का है उनके टेंडर में बाकायदा है, कितना फॉलो हो रहा है, या जितने रियल इस्टेट सेक्टर में या मकानों का निर्माण है या जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको रोकने के लिए उनमें प्रदूषण कैसे हो, खुला बालू जा रही है, मिट्टी जा रही है, ट्रकों पे कोई ढका नहीं जा रहा है, ये सारे निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में एनसीआर के में जो पॉल्यूशन फैला था उस पर दे रखा है, तो उसको सीख लेते हुए हमारे सारे जिला प्रशासनों अब सरकार या माननीय मुख्यमंत्री को ले लो कि वो हर चीज़ निगरानी, अरे भाई आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप सरकार की के हैंड्स हैं, आँख हैं, नाक हैं, कान हैं, आपको खुद जागरूक होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग में सारी ब्यूरोक्रेसी को दी गई है कि आपको कैसे किस कानून को कैसे कब फॉलो करना है, आप उस रोग से आप भी ग्रसित हो रहे हैं जो पॉल्यूशन फैल रहा है, मान लिया कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी जिले में है, कानपुर है, लखनऊ है, तो अगर लेबर प्रभावित हो रहा है तो अधिकारी भी प्रभावित हो रहा है, नेता भी प्रभावित हो रहा है, तो उसको
तो एक जागरूक आप जन जागरूक अभियान तो चलाइए, आप त्योहार के पहले चलाइए। आप खाली जब ऊपर से डंडा आवे, कोई निर्देश आवे, तब आप कोई काम करें, इसका कोई मतलब नहीं है। जब जन सहभागिता भी इसमें होनी चाहिए हर आदमी को। हाँ। और अब ये समाज में हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। घर में भी हम सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर निकल रहे हैं तो खतरा और ज्यादा है। लेकिन अब तो खतरा घर के अंदर आ चुका है, दरवाजे खोल के खतरा डॉक्टर साहब अब तो घर के अंदर आ गया है। और सिर्फ पटाखे ही नहीं, इसके तो ढेर सारे कारण है, जैसा कि सुश्रंजन जी ने बताया कि धुआं हो, गाड़ियों का धुआं हो, या जो निर्माण हो रहा है वो धूल हो। एक और चीज हम देख सकते हैं अपने लखनऊ या महानगरों या नगरों की बात करें तो जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो शहर पे जो है अतिक्रमण करके लोग दुकानें रख लेते हैं, उसकी वजह से वहां जाम लगता है। जाम लगता है तो वहां पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा उस जगहों पे। जब जाम लगेगा तो निश्चित रूप से वाहन रुकेंगे, वाहन रुकेंगे तो वाहनों के धुएं से प्रदूषण और ज्यादा वहां पे फैलेगा। तो इन सब चीजों पे सिस्टम से पूरी प्लानिंग करके एक एक चीज पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम सेफ नहीं है। और जो जिनको ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो चाहे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो वो भी इससे अछूते नहीं रह जाएंगे। अब देखिए, आपने जो चर्चा की बात की बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये सोचना पड़ेगा इसी भारतवर्ष में, देखिए मुख्य कारण प्रदूषण के ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के मुख्य दो तीन चार स्रोत हैं। एक तो वाहन है, किसी भी तरीके के वाहन है, और दूसरा औद्योगिकरण, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन, चाहे कुछ फैक्ट्री हो, जो भी है। ये इसका कंट्रीब्यूशन करीब करीब एक का 34% है, एक का 32% है, तो ये तो 70% के आसपास तो यही पहुंच जाता है। बाकी 30% मेडिकल, ये आप बिल्डिंग बनाना, ये सब चीजें हैं, ये सब है। तो मुख्यतः आप बड़ी हम एक आंकड़े को जो अभी आप कर रहे हैं तो मैं गौर उसमें कर रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में इतने आगरा, कानपुर, बनारस, ये सब चीजें चार पांच डिस्ट्रिक्ट यही है 14 में पूरे विश्व में। तो हमने देखा कि दिल्ली में क्या है उसको देख लिया जाए। दिल्ली NCR ही खुद है, फरीदाबाद भी हो, गुड़गांव है, अब उसके बाद हम बिहार को थोड़ा सा आंकड़ा देखे उन 14 में तो देखा मुजफ्फरनगर। अब ये बताइए कि अगर जयपुर जोधपुर में दो छोड़ दिया जाए तो आपके ये बॉम्बे कलकत्ता जो कि इतने डेंस सिटी है, और मद्रास और साउथ की सिटी है, वो क्यों नहीं आई? इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारे वाहनों का जो आपने प्रश्न उठाया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि वहां जन जागरूकता है, गाड़ियों का आवागमन कहीं रुकावट नहीं है, ज्यादा रुकावट नहीं है। दिल्ली में या गाड़ियां खड़ी हो जाती है, तीन तीन घंटे आप जाम में फंसे रहते हैं, वो गाड़ियों का धुआं जो है लगातार बढ़ता जाता है। यही चीज आप देख लिए, न चेन्नई में है न कलकत्ता में है, लेकिन उतना नहीं है जिसके कंपेरिजन वो विश्व के मैप पे नहीं आए। तो हमें देखिए सबको जागरूक करना पड़ेगा, जैसा अभी शिवशरण जी मैंने भी उस पर बहुत एक आंदोलन स्वरूप सबको चेतना देनी पड़ेगी। विशेष करके मेरा हमेशा प्रयास रहा है, चाहे R.K. पचौरी साहब नोबेल प्राइज विनर जो विश्व के पर्यावरण IPCC के चेयरमैन रहे हैं, तो उनसे भी मैंने कहा हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि आपका आने वाला समय बहुत ही खतरनाक और दुरूह होने वाला है, और आप इसमें इस चेतना को सब तक पहुंचाइए, चाहे उसके पाठ्यक्रम के अनुसार उनको आगे करें, चाहे प्रभात फेरी करें, चाहे समय समय पर इसको। इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, मौसम जैसे अभी चर्चा चल रही थी, मौसम जैसे चेंज हो रहा है, मरीजों की संख्या, जो सांस के मरीजों की संख्या OPD में बढ़ती जा रही है, और ये जो जिस तरीके से अभी पिछले 2 दिन रहा है मौसम, आने वाले इसका असर अगले 3 दिनों में दिखाई पड़ेगा क्लिनिकों पे, नजर आएगा। उसका बहुत क्लियर कट आपको बता दूं, देखिए ये मौसम जब बदलता है, चाहे बरसात से जाड़ा सेट होने लगे, बीच का पीरियड एक नॉर्मल आता है, चाहे जाड़े के बाद गर्मी सेट करने लगे,
तो इसमें क्या है कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस आज जो पैदा हो रही कहीं ना कहीं जाके उनका एक स्थान बना हुआ है, बिल्कुल, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऊपर एक बादल के रूप वो, में वो जो हमें धुंध दिखाई पड़ती है वो जब आप मौसम सेटल होता है तो जैसे वेपर्स की बूंदे नीचे आते उनके साथ धीरे धीरे दबाव बस नीचे आ जाता है, बिल्कुल, और हम एक टनल के रूप में आज हमें महसूस नहीं हो रहा लेकिन शाम को हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अब चर्चा के अंतिम पड़ाव पे है, किस अब पालन करवाने के लिए किस तरीके से सरकार तो कराएगी कराएगी लेकिन एक आम आदमी को क्या करना होगा आपसे जल्दी में हम इसमें आम आदमी को तो जागरूकता मैं तो समझता हूँ इस सेक्टर इस क्षेत्र में जो है वो एनजीओ जितने हैं उन लोगों से अपील होना चाहिए, लोग जितने स्थानीय निकाय की संस्थाएं हैं ग्राम पंचायत हो नगर हो नगर निगम हो इनका सबका जन सहभागिता बहुत जरूरी होगी। आज हमारे पास चर्चा में समय इतना ही था, आप सभी लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए आभार, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि अब आने वाले दिनों में पर्यावरण को लेकर सभी लोग सचेत रहेंगे और हम सभी लोगों की जन सहभागिता इसमें जुड़ी रहेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।